तो दोस्तों खान साहब को एक तो ये पसंद आई है जो मैंने पहनी हुई है ये, और ये वाली अभी एक चीज और देख रहे हैं मैं, ऑरेंज वाला लूं कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा हमारे वो फ्लावर के जो ये लोग रंगोली बना रहे हैं और यहाँ पे ना थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, भैया ने बोला कि कोई बात नहीं आप यहाँ रख के बना लीजिए। अभी एक ये वाली चेक करके देखता हूँ मैं, और इसको एक बार और ट्राई कर लेता हूँ ये किस तरह की लगेगी। तो ये कुछ इस तरह की लग रही है दोस्तों। हे दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम फटाफट जल्दी ऑफिस आ गए थे और आज बेड डेकोरेशन है तो हमने कुछ सामान खरीदना था, तो हम फटाफट जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए। और बस नीलू जी और मेरे साथ में अभी हम जाएंगे सामान खरीदने के लिए फटाफट, जैसे मैम का वेट कर रहे हैं, मैम आएंगी तो हम जाएंगे कुछ जो जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो सामान लेने के लिए हम जाएंगे। तो अभी हालांकि हम ऑफिस से थोड़ा आगे आ गए हैं टहलते हुए, बस मैम का वेट कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत हम लोग चलेंगे आगे। तो दोस्तों आ गए हैं मार्केट में और हमें हम एक इकाबाना मार्केट है उधर गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, और कुछ अभी शॉप भी नहीं खुली हुई थी वहाँ पर, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये मार्केट खुली रही है इधर, और यहाँ से अभी हम सामान लेंगे। हमें कुछ उधर दिख रहा है सामान, वहाँ से हम सामान लेकर के जाएंगे कुछ, और जिस तरह का हमें सजाने के लिए सामान चाहिए होगा वो सामान मुझे उधर नज़र आ रहा है, उधर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इधर दिए लग रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब दिए लगे हुए हैं लकड़ी के मिट्टी के, और मेरे साथ में मैम भी आ गई हैं। अब ये सामान देख लेते हैं हम क्या क्या हमें चाहिए होगा। ये तो दोस्तों अभी ना मार्केट खुली रही है, लोग आ रहे हैं, तो फटाफट जैसे जैसे सामान निकलता रहेगा हम देखते रहेंगे, जो जो चीज़ों की हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम चीज़ वो ले लेंगे दोस्तों। तो अभी हमें दोस्तों ये भी कुछ पसंद आ रहा है, अभी ये भी देखते हैं हम लोग, और मैं देखा रहा था अभी ये सब कुछ लग रहा है, इधर भी मुझे सही लग रहा है देखने के लिए, और कुछ ज़्यादा मतलब कॉस्टली भी नहीं है। A150 का है पूरा, एक A150 का है। तो अभी मार्केट खुली रही है दोस्तों, आगे हम जा रहे हैं स्टोर रूम में और यहाँ से देखते हैं कुछ कुछ चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो, यहाँ पे रखी हुई हैं। तो अभी ये दोनों भैया यहीं लग गए इसमें कुछ कलर करने के लिए, ये कुछ रंगोली तैयार कर रही है मेरे ख्याल से दोनों, और भैया भी काफ़ी भैया की आदत बड़ी अच्छी है, भैया ने बोल दिया कर लीजिए आप लगा लीजिए। बड़े ध्यान से रंगोली लगा रहे हैं बड़े शौक के साथ। अभी एक चीज और देख रहे हैं मैं, ऑरेंज वाला लूं कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा हमारे वो फ्लावर के जो फ्लावर्स के पेटल्स होंगे ना वो पिंक का है या वो है, तो मेरे ख्याल से व्हाइट ही ज्यादा उस पे दिखेगा। ठीक है तो ये पानी में रखे देखो दोस्तों, एक बड़ा अच्छा आइटम लिया हमने भी, और ये फ्लोटिंग फ्लावर्स है। इसमें क्या होता है कि इसको आप जैसे पानी में रखोगे और ये पानी में तैरता रहेगा और इसकी जो लाइट है जल जाती है। अमेजिंग क्या बना दिया इन लोगों ने, फ्लावर लगेगा वो टेप लगा देना। अमेजिंग मैम वेरी नाइस। इसको भैया आप एक प्लास्टिक भी दे सकते हैं, ऐसा देना जिसमें दिखे ना। अमेजिंग भाई क्या अभी अभी दोस्तों ये अधूरा ही तैयार हुआ है, पूरा फाइनल टच नहीं दिया इनको, और अभी कुछ चीज़ें और इसमें लगेंगी, कुछ फ्लावर्स वगैरह जो भी चीज़ें और लगेंगी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ इसमें लगी हैं उधर। अभी हम ढूंढ रहे हैं एक मोमोज वाले की शॉप जो अच्छे मोमोज बनाता हो और हमें मोमोज खिला दे वो सही से, तो अभी मोमोज वाले को ढूंढ रहे हैं क्योंकि कुछ सामान हमने ले लिया उधर, कुछ सामान उनके हाथ में है। तो अभी रोड क्रॉस करके हम जा रहे हैं साइड और देखते हैं भैया, अभी रिक्शा वाले को बुला रहे हैं हम लोग ऑफिस जाने के लिए। तो दोस्तों अभी कुछ शॉपिंग करके हम निकल चुके हैं अपनी कंपनी की तरफ और हमारा भी लॉगिन का टाइम हो गया है अभी, क्योंकि दोस्तों हम आ गए हैं अभी वहाँ से शोरूम से और जहाँ से हमने कुछ सामान लिया है मैं आपको दिखाया है अभी इस वीडियो में पीछे। तो अभी मेन काम बचता है क्योंकि पूरे ऑफिस के अंदर की जो हमारा कुछ एरिया हमें दिया गया है उस एरिया को हमें अच्छे से सजाना है, और फिर उसका ना एक तरह से कंपटीशन टाइप में होता है, जितने लोग होते हैं उनको अलग अलग एरियाज दिए जाते हैं, वहाँ से वो सब अपनी उसको अच्छे से सजाते हैं, फिर बाद में डिसाइड होता है कि किसकी भैया सबसे अच्छी लगी है। दोस्तों अभी बाहर आए हुए हैं हम, काफ़ी अच्छे से सजावट कर दी हमने अंदर की, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल की वजह से मैं अभी अंदर की वीडियो आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ बाहर की चीज़ें जैसे बाहर अभी कुछ रखा हुआ है उसकी मैं आपकी वीडियो ज़रूर बताऊँगा अभी। हाँ ये देखिए आप,
दोस्तों बहुत अच्छे डेकोरेशन हो रखे हैं मेरे पीछे और बहुत सुंदर लग रहा है अभी अंदर सा। मैं अंदर से अभी आपको सॉरी उसके लिए तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता अंदर का चीज़ें, क्योंकि प्रोटोकॉल की कुछ होते हैं कि अंदर की वीडियो अलाउ नहीं होती दोस्तों। बाकी आप बाहर से फ़िलहाल देख सकते हैं, ये रिसेप्शन एरिया है और बस फिलहाल मैं भी अंदर जाता हूँ और जो उसका होगा रिजल्ट वो आपको ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ कि कौन सी टीम जीती है। लगभग 8-10 टीमें लगभग पार्टिसिपेट कर रही हैं और अभी हमारी टीम सबने अपनी मतलब एक तरह से उसको सजा कर रख दिया है, बस अभी वेट कर रहे हैं हम रिजल्ट आने का दोस्तों। अभी कैप चेक कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाली लगा के कैसी लग रही है, खान साहब को दिखाइए। खान साहब तो कह रहे थे मेरे साथ ये आए हुए हैं, खान साहब तो कह रहे हैं अच्छी लग रही है। देखो इस तरह की लग रही है कुछ ये, बाकी आप कमेंट करके बताना ये लूँ या ना लूँ, अभी तो फिलहाल मैं नहीं लूँगा और आप ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अगर अच्छी लगे तो मैं ले लेता हूँ। ये इसमें देखना ये इस तरह की है, बाकी इसमें एक कलर और है और मैं आपको ये वाला कलर भी दिखाता हूँ, ज़रा खान साहब इसको पकड़ना ब्लैक का, ये वाला पकड़ लो आप ये वाला और देखता हूँ मैं, और ज़रा ये वाली भी बताओ किस तरह की है ये। तो बाकी दूसरी भी देखी मैंने, वो भी देखता हूँ किस तरह की हैं चीज़ें और शॉपिंग तो कर ही लेते हैं आगे चल के। ये वाले फ़िलहाल रख लेते हैं खान साहब, ये वाले रख लेते हैं फिलहाल, ये यहाँ रख देते हैं इसको छोड़ करके फिलहाल। दोस्तों मैं ये वाली रख लेता हूँ, एक ये वाली लगा के देखता हूँ ये कैसे लग रही है। हालांकि अभी इतनी सर्दी नहीं है लेकिन ज़रा ये वाली देखता हूँ मैं किस तरह की लग रही है और मुझे लग रहा है काफ़ी गर्म हो जाएगी अभी तो, क्योंकि अभी इतने सर्दी वाले दिन आए नहीं हैं तो मुझे फ़िलहाल बस ऐसे लेनी थी फ़िलहाल। जैसे ये वाली कोई एक कैप है इस तरह की और भी कई सारे मुझे आइटम लेने हैं अभी आगे, तो अभी मैं देख लेता हूँ क्योंकि दिवाली की शॉपिंग चल रही है, काफ़ी चीज़ें आएंगी इसमें, काफ़ी नए नए कलेक्शन आते हैं तो वही चेक कर रहा हूँ मैं अभी। इधर कुछ बच्चों का सेक्शन है, सोच रहा हूँ मैं आलिशा और आलिया के लिए कुछ ले लूँ, इस तरह के कुछ बच्चों के इधर सेक्शन लगा हुआ है पूरा का पूरा दोस्तों। बाकी मैं भी उन लोगों के लिए कुछ लेके गया था लेकिन यहाँ मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे हैं। देखिए इधर ये देख लेते हैं, बिटचीटर देखना है कैसी वाली है, खान साहब वाली देखना जरा किस तरह की है, देखना कौन सा साइज है ये, डबल एक्सल देखना जरा मुझे आएगी क्या, मैं इसको चेक करके देखता हूँ। मस्त लग रही है ये ले लो, मस्त लग रही है। एक्सल आ जाएगी, ये डबल एक्सल है ना। तो अभी दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से, क्योंकि थोड़ी ये ना मुझे काफ़ी ढीली से नज़र आ रही है, इसमें एक्सल देखता हूँ साइज, अगर एक्सल मिल जाए तो, अगर एक्सल मिलेगा तो ये वाली लूँगा मैं, नहीं तो कुछ और चेक कर लेता हूँ फिलहाल। और भी काफ़ी सारे कलेक्शन रखे हुए हैं यहाँ पे, अभी एक ये वाली चेक करके देखता हूँ मैं और इसको एक बार और ट्राई कर लेता हूँ ये किस तरह की लगेगी। तो ये कुछ इस तरह की लग रही है दोस्तों, इसमें देखता हूँ ये, इसमें हुड भी है, इसमें एक चीज़ अच्छी ये हो जाएगी कि ये थोड़ी इस तरह की हो जाएगी, तो बीच में देख लेता हूँ इसमें से मुझे कौन सी चाहिए होगी जी। तो ये इस तरह की कुछ लगेगी थोड़ी, तो ये इस तरह की कुछ लग रही है मुझे पहनने के बाद। तो फिलहाल अभी देख लेता हूँ मैं कौन सी मुझे चाहिए होगी दोस्तों। तो दोस्तों खान साहब को एक तो ये पसंद आई है जो मैंने पहनी हुई है ये, और ये वाली कैप इस तरह मैं आपको दिखा दूं, ये मेरी कैप है और ये खान साहब को पसंद आई है, खान साहब कहने के राशिद भाई ये ले लो। तो अभी आप लोग भी देख के बताइए ज़रा ये किस तरह की लग रही है, और कुछ और जो हमें सामान लेना है वो भी ले लेते हैं हम, अभी आगे चलते हैं, बाकी ये वाली चीज़ तो फिलहाल हम ले ही लेंगे। और खान साहब चलो आगे देखते हैं कुछ है।
आइटम अभी लिया है हमने, बाकी अभी इसकी बिलिंग के लिए आए हुए हम लोग। रात को 11:30 बज रहे हैं लगभग अभी, और बस खाली हो गया है पूरा का पूरा ये शोरूम। अभी बस हम लोग खड़े हुए हैं, कोई एक भैया बिल बना रहे हैं, देखते हैं किधर। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं आके। तो दोस्तों अभी कुछ आइटम ले लिया हमने, फिर निकल रहे हैं यहाँ से। असल में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और बिलिंग कराने में हमें इतना टाइम लग गया, चूँकि कई लोग छुट्टी पे चले गए थे, मतलब उनकी छुट्टी हो गई थी। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं 11:30 का टाइम हो गया है। लेकिन फेस्टिव सीज़न है तो अभी लोग हैं यहाँ पर, और उसी तरह से अरेंजमेंट हो रखे हैं। कुछ सामान मैंने ऑलरेडी ले लिया था, कुछ अभी ले लिया है, और बाकी टाइम की वजह से फिर मैंने कल के लिए कुछ डिले कर दिया। कल देखेंगे हम, कुछ सामान जो लेना होगा हमें। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ।